तीन के तहत देखा, ये प्रोसीजर फॉलो होने के बाद या सजा होगी या बरी होगा। ऐसी शक्ल में ये अपील की क्या पोजीशन है? ये पहले जब ये प्रामलगेट हुआ कानून 16 जुलाई 2005 को, इसमें अपील की प्रोविजन नहीं थी, और फिर लेटर ऑन ये दी गई अपील 8A के तहत इलीगल डिस्पोजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 डेटेड 4 जुलाई 2017 दी गई इन अल्फाज में, एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 शेल विदिन 30 days ऑफ द ऑर्डर बी अपीलेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसमें जो देखने वाली बात है ना, वो ये है कि ये चूंकि एक स्पेशल लॉ है, अगर इसको कंप्लेंट को डील किया जाए सेक्शन 9 के मुताबिक जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस एक्ट में किया गया था, तो वो उसके खिलाफ इस्तगासे में जब हम जाब्ता फौजदारी के तहत अपीलेट फोरम पर जाना होता है, तो वो प्रोसेस डायरेक्ट अपील का नहीं है। उसमें पहले पटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील फाइल करनी पड़ती है, और अगर उसमें ये परमिशन मिल जाए, स्पेशल लीव मिल जाए अपील दायर करने के लिए, तो फिर ही अपील दायर की जा सकती है, वरना अपील दायर नहीं की जा सकती। उसका प्रोसीजर यही है कि जब कंप्लेंट में सजा होगी तो विद इन 60 days जो है वो कंप्लेंट स्पेशल लीव टू अपील फाइल करेगा, तो फिर अगर परमिशन मिल जाए तो फिर जो है वो उसको अपील की इजाज़त होगी। लेकिन इस स्पेशल लॉ में स्पेसिफिकली फिर कर दिया गया कि इसके लिए मुस्तगीस को पटिशन फॉर स्पेसिफिक लीव टू अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी इसके लिए, और मुलज़म को उसमें भी अगर कंप्लेंट में सजा हो तो फिर भी डायरेक्ट अपील का ही इख्तियार है। और इसमें वो नहीं दिया गया था पहले तो 2017 में, फिर इस दफ़ा के तहत उसको भी जो है वो अपील का राइट दे दिया गया। ऑनरेबल कोर्ट्स की इंटरप्रटेशंस आती हैं और फिर मामला सॉल्व होते हैं, 2-3 मामला वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर आपने इस्तगासा इसका फाइल करना है, तो इस्तगासे के लिए ये एक दो चीज़ें चूंकि साबित करनी है, एक अपना लॉफुल ओनर होना और दूसरा ये कि आपको अनलॉफुली डिस्पोजेस किया गया है। तो फैक्चुअल साइड पे तमाम पार्टिकुलर्स और डिटेल्स जो हैं वो इसकी कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि पूरी तफसील के साथ स्पेसिफिकली अपनी तमाम एलिगेशंस आपने मेंशन की करनी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेट एंड टाइम ऑफ इलीगली डिस्पोजेशन पोजेसिंग है, कि आप वाजे करें कि किस तारीख और किस वक्त को आपको और किस प्रोसेस से किस तरीके से डिस्पोजेस किया गया। ऐसी इंग्रेडिएंट्स और ऐसी वजाहत कंप्लेंट में ही मौजूद ना होने की वजह से कंप्लेंट के बारे में ये कहा गया कि कंप्लेंट जो है वो अपने इस एलिगेशन को साबित करने में कामयाब नहीं हुआ बल्कि नाकाम रहा है। इस तरह की जिसमें ये सूरत हाल आई सामने, वो PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 181 है, 2021 YLR पेज 2327, फिर 2014 YLR पेज 3901, 2010 YLR पेज 470, जिसमें कहा गया कि आप ज़रूर इसको वजाहत से बयान करेंगे अपनी तमाम एलिगेशन को। अब दूसरी जो आई जो बड़ी जिसमें कंट्रोवर्सी रही, वो ये है कि क्या जब दीवानी मुकदमात चल रहे हों तो फिर ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की प्रोविजन आ सकती है कि नहीं आ सकती।
या दूसरा कि अगर ये लीगल डिस्पोजेशन का केस कर दिया जाए तो क्या दीवानी रेमेडी बार हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी चलती रही और सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट्स की कुछ जजमेंट्स में ये कहा गया कि जब दीवानी मुकदमाबाजी हो पहले से तो फिर ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स में ये आया कि नहीं ये हो सकता है। आखिरी जो इसमें जो फाइनली कंट्रोवर्सी रिजॉल्व हुई वो 2016 SCMR पेज 1931, 2016 SCMR 1931 में शेख मोहम्मद नसीम वर्सेस मुसम्मद फरीदा गुल केस था जिसमें इसको वाजे किया गया और ये होल्ड कर दिया गया फाइनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेंडेंसी ऑफ एनी सिविल लिटिगेशन दैट मे बी पेंडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज रिगार्डिंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वेयर एन ऑफेंस एज डिस्क्राइब्ड इन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 हैज़ बीन कमिटेड द कंप्लेंट अंडर द सेड एक्ट, यानी कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 वुड बी मेंटेनेबल इन लॉ। इसमें पहले जो कवानीन मशहूर आए थे कि जिसमें ये करार दिया गया था कि सिविल लिटिगेशन की शक्ल में, पेंडिंग होने की शक्ल में ये नहीं हो सकती इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कंप्लेंट, वो थे PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 661, 2012 CMR पेज 1533 बशीर अहमद बनाम सरकार और हबीबुल्ला वर्सेस अब्दुल मनान ये भी आए हुए थे। और जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया हुआ था कि हो सकता है सिविल लिटिगेशन की पेंडेंसी की शक्ल में भी यह इस्तगासा इलीगल डिस्पोजेशन का हो सकता है, वो थे 2009 SCMR पेज 1066 मोहम्मद अकरम वर्सेस मोहम्मद यूसुफ, 2010 SCMR पेज 1254 मुमताज़ हुसैन वर्सेस डॉक्टर नासिर खान, और PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 725 शाहबुद्दीन वर्सेस स्टेट। इनमें उन्होंने कहा था कि नहीं ये सिविल लिटिगेशन की पेंडिंग होने की सूरत में भी ये होगा। फाइनली फिर इस जजमेंट में 2016 SCMR 1931 और PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 769, इसमें वाजे तौर पे इन पांचों जजमेंट्स जो मैंने पहले बताई उनके बारे में जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच में, ये होल्ड किया कि जिन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल लिटिगेशन की शक्ल में, मौजूदगी की शक्ल में ये इलीगल डिस्पोजेशन की कंप्लेंट नहीं हो सकती, यानी PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 661 और 2012 SCMR 1533, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लाइन में दिया गया है इट इज़ नॉट गुड लॉ एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। और जो दूसरी तीन हैं 2009 SCMR 1066, 2010 SCMR 1254, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 725 के बारे में डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये दीज जजमेंट्स कंटेन गुड लॉ और इनको फॉलो किया जाएगा। और अब सूरत हाल इन दोनों जजमेंट्स यानी PLD 2016 SCMR 1931 और PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 669, इनके बाद अब सिविल लिटिगेशन पेंडिंग होने के बावजूद इसमें फौजदारी इस्तगासा नाजायज कब्जे का इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत हो सकता है। दूसरी जो एक बात बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसमें भी रही कि कवन इनके आने के बाद जब फिर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो अदालतें घबरा जाती हैं कि जी इस केस के तो बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए, किस तरह इनको जो है वो रोका जाए। तो फिर बाज़ औक़ात फिर ताले आज़मा जजिस या जुडिशल एक्टिविज़्म वाले अल्फाज जो होते हैं ला को उसको पसे पुश डाल के भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरिस्टोटल का भी कौल जिसको बहुत सारे जजमेंट्स में भी
ऑनरेबल जजेस ने भी और स्कॉलर्स ने भी लिखा है कि टू बी वाइजर देन द लॉ इज अ थिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाई द लॉ, कि कोई भी शख्स कानून से ज्यादा वाइज होने की कोशिश जो करता है वो एक ऐसी हरकत करता है जिसको खुद कानून नहीं मना किया हुआ। तो ऐसी सूरत हाल थी कि ये इंटरप्रटेशन करनी शुरू कर दी गई लाहौरा हाईकोर्ट से, ये स्टार्ट हुआ मामला कि ये जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स हैं ये इनके पहले कोई करेक्टर ऐसा होगा, एंटीसीडेंट्स ऐसे होंगे कि इन्होंने बहुत सारे कब्जे किए होंगे तो और बड़े वो गन्ने शन्ने और माफिया कब्जा होगा तो फिर सिर्फ होगा ये, अगर किसी का पहला ये काम होगा तो फिर ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन यही केस जो मैंने पहले किया कोर्ट PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 769 मुसम्मत गुलशन बीबी वर्सेस मोहम्मद सादिक, इसमें फिर वाजे कर दिया गया कि इस कानून के अल्फाज में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिसके बारे में जिसकी इस तरह तशरीह कर दी जाए कि मुलजमान का पहले से बहुत बड़ा कर्जा ग्रुप और पहले उनके ऊपर इस तरह के मुकदमात होने ज़रूरी हैं, फिर इसमें आएगा 2005 वाले इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में, अदरवाइज वो फिर पहली गलती उनको माफ़ी होगी। ये उन्होंने कहा कि कानून में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। इन अल्फाज में कहा, फॉर प्रोसिक्यूटिंग एन अक्यूज्ड अंडर इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 द कंप्लेनेंट डिड नॉट हैव टू फर्स्ट एस्टेब्लिश दैट द अक्यूज्ड पोजेस्ड द क्रीडेंशियल्स एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर आर मेंबर ऑफ कब्जा माफिया। ऑल दैट द कोर्ट हैड टू सी वाज वेदर अक्यूज्ड नॉमिनेटेड इन द कंप्लेंट हैड एंटर्ड इनटू आर अपॉन द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन ऑर्डर टू डिस्पोजेस ग्रैब कंट्रोल और अकूपाई इट विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। यही कानून के अल्फाज हैं। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही अल्फाज जो हैं वो कानून की मंशा है और इसी पे अमल होगा, और इस जजमेंट के ज़रिए फिर जो बहुत सारी जजमेंट्स पहले जिनमें कहा गया था कि जो प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर होगा या पहले उस पर मुकदमा तो होंगे सिर्फ वही इस एक्ट के तहत जुर्म के सजावार पाएंगे करार पाएंगे, उसको ख़त्म करके तो कहा गया कि अगर पहली दफ़ा भी करेगा तो वो भी उसी तरह केस साबित होने की शक्ल में मुजरम होगा जिस तरह के आदि जो हैं वो मुजरमान होंगे। अब एक दो और छोटी छोटी इसमें बातें हैं कि तजावजात या इनक्रोचमेंट को इस में होल्ड किया गया है कि तजावजात जो हैं वो नहीं आएंगी। इसमें मेंजरी एंड एक्टेसरी दोनों मौजूद होने चाहिए, यानी कि मुजरम जहन जुर्म करने की नीयत हो और एक्ट भी ऐसा हो जो इस केस में दफ़ा 3 में दी गई डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो फिर होगी। थोड़ी बहुत अगर इनक्रोचमेंट है या बोनाफाइड क्लेम है, अगरचे वो रहा है लेकिन बोनाफाइड है वो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें 2011 सुप्रीम कोर्ट 181 वकार अली वर्सेस स्टेट थ्रू द प्रोसिक्यूटर उब्लीग एडवोकेट जनरल पंजाब, उसमें यही होल्ड किया गया कि ये इसकी इंटेंशन नहीं है कि इसमें जो है वो ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि तजावजात हैं वो प्योर इलीगल डिस्पोजेशन नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, आज हमने कोशिश की है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 की एक एग्जॉस्टिव स्टडी और कोर्ट में इसकी दोनों साइड से जो वर्किंग है, कंप्लेनेंट साइड से पेश होना या अक्यूज साइड से पेश होना, उसके बारे में जो है वो तमाम मामलों को देखा जाए। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारा ज़रूर बेनिफिट होगा और हमारे इल्म में इजाफा होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।